Auzubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome all of you to yet another live transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. Jinab, it is the 8th number of PSL Season 9 match between two teams. एक तरफ है promising Quetta Gladiators. जिनाब दो matches खेले और दोनों ही जीते, और दूसरी तरफ unpredictable Islamabad United दो matches खेले और एक जीते. Before we move on to the show, ये बात बड़ी important है जानना कि जहाँ discussion हो रही है PSL Season 9 की, वहाँ पे हम मीठे को discuss कैसे ना करें, because मीठा तो हर बार होना ही चाहिए. खाने के बाद भी दिल चाहता है मीठा खाने का. So yes, let's talk about Cadbury Dairy Milk का initiative. जनाब हमने देखा किस तरीके से जब वर्ल्ड कप आगाज हुआ तो कैडबरी डेयरी मिल्क ने एक इनिशिएटिव लिया. 6 मंथ्स की स्कॉलरशिप थी जनाब. लड़कियां, बहनें, माएँ जो अपनी बेटियों को क्रिकेटर्स बनता देखना चाहती हैं, वसाइल नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके जो ख़ानदान का नाम है वो उनके ख़ानदान का नाम भी रोशन करे, घर का नाम भी रोशन करे और मुल्क पाकिस्तान का नाम भी रोशन करे. तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है. www.cadburypakistan.com पे आप जाएंगे, रजिस्टर करेंगे और हो सकता है कि आप भी खुशनसीब बन पाएँ. रोज़ जब रन्स ऑन बोर्ड होते हैं 100 से ज़ायद किसी भी टीम की जानिब से, तो ये कैडबरी डेयरी मिल्क अवार्ड करता है एक क्रिकेट स्कॉलरशिप, जिसमें 6 मंथ्स इक्विपमेंट्स आपको फ्री मिलेंगे. इट्स गोइंग टू बी इन हिस्ट्री, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे पहले शायद ऐसी काविश किसी ब्रांड ने नहीं की. मैं खुद हमेशा से बहुत शौकीन रही हूँ, चाहे बात करें फुटबॉल की या बात करें हम स्पोर्ट्स क्रिकेट की. तो मुझे लगता है कि अभी इसी वक्त आप जाइए, रजिस्टर कीजिए, क्योंकि थोड़ी ही देर में मैच शुरू होने वाला है बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स. तो आपके पास चांस है और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से 50 स्कॉलरशिप्स जो हैं वो ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर ये सिलसिला शुरू हो जाएगा. हैविंग सेड दैट, हम सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में नज़र डालेंगे पॉइंट्स टेबल पे कि हुआ क्या है जनाब इस बार हमारे पीएसएल सीज़न में. हुआ जनाब कुछ ऐसा कि 3 मैचेस खेले गए. मुल्तान, आई होप हमारी टीम दिखा रही हो ये जो पॉइंट टेबल है. सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे पॉइंट टेबल की. मुल्तान सुल्तान इज शाइनिंग ऑन द पॉइंट टेबल जनाब. 6 पॉइंट्स के अतबार से दे आर शाइनिंग ऑन द टॉप. 3 मैचेस खेले, तीनों के तीनों विन किए विद ए नेट रन रेट ऑफ 1.165. उसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स जनाब दे आर सिटिंग ऑन द पॉइंट टेबल 4 पॉइंट्स के साथ. पॉइंट नंबर 2 पे ये लोग मौजूद हैं. 2 मैचेस खेले, दोनों जीते, 0.635 का नेट रन रेट है. एंड देन इस्लामाबाद यूनाइटेड जनाब 2 मैचेस खेले, 1 जीता और पॉइंट टेबल से इनको 2 पॉइंट्स मिलते हैं विद ए नेट रन रेट ऑफ 0.438. उसके बाद कराची किंग्स जनाब 2 मैचेस खेले, 1 जीता. लाहौर कलंदर्स, व्हाट वेंट रॉन्ग विद यू, 3 मैचेस खेले, 1 भी ना जीत पाए. और उसके बाद पेशावर ज़ल्मी 2 मैचेस खेले, वो भी ना जीत पाए. इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं जनाब. इट्स नॉट a good news for Lahore Qalandars, especially because they were the defending champions. बातचीत होती रहेगी इस पर, लेकिन आते हैं जनाब आज के मैच के ऊपर. इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्कशन करना कि शादाब खान, who happens to be the captain of इस्लामाबाद यूनाइटेड, याद रहे हेड टू हेड इनके बीच में जो भी रिसेंटली पीएसएल सीजन जो प्रीवियसली गुजरे हैं 3 मैचेस बहुत डोमिनेंट विक्ट्री हासिल की थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने. और अगर हम इस बार भी देखें तो इस्लामाबाद ने 1 मैच विन किया है, 1 नहीं किया. एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने सारे ही मैचेस दोनों के दोनों विन किए. तो प्रॉमिसिंग और फेवरेट जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स यानी रिली रोसोव की जो कैप्टनसी है फिलहाल बहुत अच्छी साबित हो रही है. हम बढ़ते हैं अपने शानदार पैनलिस्ट की जानिब, क्योंकि बैटिंग की दुनिया की बात करें या बॉलिंग की दुनिया की बात करें, इनके जो कॉन्वर्सेशन है, इनके जो तजिए हैं, उसके बगैर ये शो मुकम्मल नहीं है. बढ़ते हैं जनाब पाकिस्तान की क्रिकेट बैटिंग लाइनअप के बैकबोन, the living legend मिस्टर सलीम मलिक की तरफ. अस्सलाम वालेकुम सर, गुड इवनिंग. जी अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? सर आई एम ऑल वेल जनाब. आज 9th नंबर ऑफ मैच है ऑफ पीएसएल सीजन 9. हम वेलकम करेंगे हमारे सेंसेशनल फॉर्मर पेसर. अगर हम बात करें टेस्ट क्रिकेट की, कहते हैं ना अजीम खिलाड़ी ऐसे नहीं बनते, टेस्ट क्रिकेट खेलना पड़ता है. तो हमारे साथ ऑन बोर्ड है अब्दुल रऊफ साहब. अस्सलाम वालेकुम सी, हाउ आर यू? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक. आते साथ एक बड़ा मेजर क्वेश्चन जो वायरल हो चुका है, डिस्कशन हर जगह हो रही है, तो शादाब की कैप्टनसी के ऊपर हो रही है कि एक दिन आते हैं मैच बेहतरीन तरीके से खेलते हैं, मैच फिनिशर साबित होते हैं और अगले ही मैच में वो 4 डाउन में आके खेलते हैं. और उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मीडिया टॉक होती है, तो वो कहते हैं जनाब बात करते हुए मीडिया से कि देखिए जी बात ये है कि प्रॉपर बैटर रिक्वायर्ड था, क्रीज काफ़ी मुश्किल थी, तो मुझे लगा प्रॉपर बैटर जाना चाहिए, तो मैंने इसलिए आज नहीं खेला. और ये वही मैच है जो इस्लामाबाद ने हार दिया. सर बिकॉज यू बीन आवर फॉर्मर क्रिकेटर, आप बताइए ये स्टेटमेंट कैप्टन की तरफ से आना, और उस कैप्टन की तरफ से जिसकी वजह से, जिसके ऊपर आने की वजह से उनकी टीम जीत गई थी, सर हाउ पॉजिटिव यू टेक दिस कमेंट? वक्फा तो नहीं आ गया ना? आप बात कर सकते हैं जी. देखें शादाब की तरफ से इस किस्म की स्टेटमेंट बड़ी अजीब लगी है. पहली बात तो ये कि उसने ये कहा कि मुझे कंडीशन बड़ी मुश्किल थी और मुझे मैं इसलिए नीचे गया कि विकेट। बात यह है कि क्या आप एज ए कैप्टन आपने पिछले मैच में इतना अच्छा स्कोर किया। देखें क्रिकेट में अच्छा सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि जब आप इन फॉर्म बैट्समैन होता है वो कोशिश करता है कि मैं ऊपर जा के टीम को संभालूं। आप शदाब साहब की ये सुन के स्टेटमेंट मुझे बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट लगी एक कैप्टन की कि वो ये कह रहा है कि जी मुझे आसान मैं इसलिए नीचे गया कि कंडीशन आसान होगी तो मैं फिर बैटिंग करने जाऊंगा। तो ये तो महल्ले की टीमों में ऐसे होता है कि यार आसान कंडीशन आएगी तो मैं जाऊंगा और अदरवाइज़ मैं नीचे नीचे जाता रहूंगा। ये एक कैप्टन के लिए मेरा ख्याल है सबसे शर्मनाक बात है कि आप ऊपर जाने के बजाय नीचे जा रहे। प्लस सेकंड बात जो है देखें ये जो शदाब है ये पाकिस्तान टीम में जब खेलते हैं तो ये छठे नंबर पे जाते हैं और छठे नंबर पे जाके आपको एवरेज चाहिए होती है 13, 12, 10 से ऊपर की एवरेज चाहिए होती है। जब आप लीग क्रिकेट खेलते हैं तो लीग क्रिकेट में आप आते हैं कभी नंबर 3 आ जाते हैं, आसान कंडीशन होती है तो आप ऊपर आ जाते हैं जो बकौल उनके कि मैं आसान कंडीशन में खेलने का आदी हूँ। तो आसान कंडीशन आप ढूंढते हैं कि कहाँ आसान है, आप स्कोर करते हैं और फिर पाकिस्तान टीम आपको सिलेक्ट करती है। जब आप पाकिस्तान टीम में जाते हैं तो एवरेज ज़्यादा मिलती है तो वहाँ आपसे फिर आप फ्लॉप होते हैं। तो बात ये है कि ये जो सिलेक्शन का मेयार है ये इनको देखना चाहिए कि किस बंदे ने कहाँ स्कोर किया है। अगर वो पाकिस्तान के लिए छठे नंबर पे खेल रहा है तो उसको फिर छठे नंबर पे ही लीग में खेलना चाहिए क्योंकि जब पाकिस्तान टीम में इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए जाएगा तो उसको 10 की एवरेज की ज़रूरत होगी। जब आप 3 नंबर पे जाते हैं तो आप पे प्रेशर नहीं होता, आप जाके अगर विकटें 1-2 गिर जाएँ तो आप 4 या 5 या 6 की एवरेज से भी जाते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान टीम जब सिलेक्शन होती है तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए जो कि हमारे सिलेक्टर इस चीज़ को नहीं सोचते। वो ये देखते हैं कि एक प्लेयर ने स्कोर कर दिया लीग में अब इसको सिलेक्ट कर लें तो वहाँ जाके फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको समझ नहीं आती कि ये क्या हुआ है कि ये इतना फॉर्म में था प्लेयर। तो ये देखे ना आज जो उसने बात की है कि मैं अपनी मर्ज़ी से जाऊँगा तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तो अपनी मर्ज़ी से आप नहीं जाएँगे, आप अपने नंबर पर ही खेलेंगे। तो ये चीज़ सोचने वाली है जो अगली सिलेक्शन कमेटी जो भी होगी उसको इन चीज़ों पे मेरा ख्याल है हम बार बार मोहसन भाई का नाम लेते हैं कि उनको ये चीज़ें ज़रूर सोचनी चाहिए कि ये लोग कंसीडर नहीं करते। सिलेक्टर जो है वो अपनी मर्ज़ी से टीम सेलेक्ट करके भिजवा देते हैं कि जी ये इस राउफ ने स्कोर किया, सलीम मलिक ने स्कोर किया, ये नहीं देखा कि उसने कौन सी कंडीशन में स्कोर किया और उसका नंबर क्या है। अच्छा हम सुन रहे थे अभी बात हो रही थी वकार यूनिस की और द यंग सेंसेशन ख्वाजा नाफे की इनिंग्स हमें आज भी याद हैं जनाब। अगर हम बात करें उनके प्रीवियस मैच की, नॉट आउट गए थे, 60 रन ऑन बोर्ड किए थे, 31 बॉल्स पे स्ट्राइक रेट था 193.54। आज अगर हम बात करें की प्लेयर्स टू वॉच इस साल जो हमने सीजन में देखा है so far जो मैचेस रहे हैं, व्हाट इज योर टेक ऑन ख्वाजा नाफेज इनिंग? सर आपसे शुरू करते हैं, बैटर हैं वो, आपको लगता है आज आके इम्पैक्ट क्रिएट करेगा ये? बिल्कुल करेगा। वो जो जैसा प्लेयर है उसने पिछले मैच में जो 2 मैचों में एक में नॉट आउट रहा दूसरे में भी मेरा नॉट आउट रहा तो जो उसकी अभी जो बात कर रहे थे वकार कि वो स्टिल रहता है और फुटवर्क मेरा ख्याल है वो सबसे ज़्यादा फुटवर्क वो यूज़ कर रहा है वो जो बात कर रहे थे बिल्कुल गलत बात कर रहे थे। बात यह है कि वो फुटवर्क यूज़ कर रहा है, असल चीज़ ये है कि उसका बैलेंस स्टिल रहना नहीं होता, असल चीज़ है आपका बैलेंस कैसा है। वो उसका बैलेंस बड़ा अच्छा रहता है, वो फुटवर्क आप देखें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो बॉल की तरफ जाता है जहाँ भी बॉल होता है। तो वो ये कहना कि वो फुटवर्क यूज़ नहीं कर रहा था कि वो खड़ा रहता है, आंखें स्टिल रहनी चाहिए, वो गलत था। वो एक्चुअली उसका बैलेंस बड़ा अच्छा है, वो जल्दी पिक कर रहा है बॉल को और बॉल की तरफ जा रहा है, इसलिए वो अच्छा बाकियों से मुख्तलिफ लग रहा है। और क्रिकेट में जब तक आपका बैलेंस अच्छा ना हो और बॉल की तरफ आप मेरिट पे ना खेलें आप स्कोर नहीं कर सकते। उसने देखे हर तरफ शॉट खेली है मगर उसका फुटवर्क जो था वो मूव कर रहा था, ये स्टिल रहना वो थोड़ा सा मेरे ख्याल मिक्स चूँकि फास्ट बॉलर है इसलिए उनको बैटिंग का शायद इतना आइडिया नहीं था, मगर इसमें बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। सर बात पूछूं ना आपसे इसी बात से, क्योंकि वो फुटवर्क की बात हो रही है, उससे लड़ने की ग्लेन मैक्सवेल जब जिस दिन उनके हैमस्ट्रिंग का इशू हो गया था, इसलिए रिमेंबर वर्ल्ड कप में, तो क्या वो स्टिल थे या वो शॉट्स उनकी गोल्फर भी रह चुके हैं तो उस वजह से वो खेल पाए? देखें जब वो सिचुएशन ऐसी आ गई थी, अदरवाइज अगर आप देखें उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी थी, उनका बैलेंस बेशक वो, मगर मूव फिर भी वो थोड़ा सा कर रहे थे, वो ओपन वो विकेट बहुत अच्छा था, एक तो विकेट अच्छा था प्लस उसका बैलेंस, उसमें भी देखें कि वो बैलेंस रख के मारा था हिट, और उसकी चूंकि वो खेलता ही ऐसा है उसकी एक पैटर्न सेट हो चुका, और उसकी टाइमिंग जो थी वो असल चीज़ थी, टाइमिंग उसकी टाइमिंग थी। और कई दफ़ा आपका दिन होता है, उस दिन जो खेला था उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कभी आपको ऐसी इनिंग देखने को मिलेगी सर वो। अच्छा जहां बात हो रही है ख्वाजा नाफे की, आई थिंक वी स्टिल हैव सम टाइम, आई वुड कम टू यू रऊफ जी। शादाब एक मैच में आते हैं 1 डाउन में, दूसरे मैच में आते हैं वो 5 डाउन में, ठीक है जी। आज अकॉर्डिंग टू यू, आई डोंट नो व्हाट कैप्टन इज गोइंग टू, यू नो अभी वो पिच देखेंगे, वो डिसाइड करेंगे, आपके अकॉर्डिंगली उनको 1 डाउन आना चाहिए या उनको 5 डाउन आना चाहिए? देखिए मेरा ख्याल है कि जो सलीम भाई ने बात किया बिल्कुल दुरुस्त किया, क्योंकि जो उनका नंबर है पाकिस्तान टीम में उसी नंबर पे आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है इनके शफलिंग की वजह से। आप देखें कि सिर्फ ये शादाब खान नहीं है, कल जो अब्दुल्ला शफीक हैं पाकिस्तान टीम से ओपन करते हैं, यहाँ पर नंबर 6 पर खेल रहे हैं। सऊद शकील नंबर 5-6 पर खेलते हैं पाकिस्तान टीम में, यहाँ पर वो ओपन कर रहे हैं। उसके बाद जो और भी काफ़ी ज़्यादा शफलिंग हो रही है इस टूर्नामेंट में, तो मेरा ख्याल है कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस है आपको, क्योंकि जो PSL करवाने का मकसद तो यही है कि पाकिस्तान टीम को बूस्ट मिले और पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स मिले, मगर यहाँ पर उल्टा काम हो रहा है कि जो पाकिस्तान टीम में मुख्तलिफ नंबर पर खेल रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट पोजीशन पर खेल रहे हैं, और आगे जाकर ये पाकिस्तान टीम को इससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होने वाली है। जहाँ तक आपने बात की है, ये अभी वकार यूनिस बात कर रहे थे ये शफलिंग की, मेरा ख्याल है कि इसमें भी सलीम भाई ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि देखें बेसिक चीज़ होती है बैटिंग में मोमेंटम, आपका मोमेंटम कहाँ पे बनता है? आपका शफलिंग से मोमेंटम बनता है, या आप बिल्कुल स्टिल खड़े रहकर आपका मोमेंटम बनता है, या आपका चल के मोमेंटम बनता है। तो आप जैसन रॉय जैसे जो बैट्समैन है उनकी टेक्निक पे इस तरह बात नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही वो सीजनल प्लेयर है, उसने इंग्लैंड के लिए बेशुमार फतवाहत हासिल की हैं, और जो उसका स्टाइल है वो यही है कि वो अग्रेसिव, वो आगे बॉलर की तरफ मार्च करता है और उससे उसका मोमेंटम जनरेट करता है, और उससे उसकी जो पेस होती है बैट की वो क्रिएट होती है और वो लंबी हिटिंग करता है। तो मेरा ख्याल है कि ये बात बिल्कुल मैं तो सही नहीं वो रऊफ कई दफ़ा देखें जेसन रॉय जो है ना वो डिस्टर्ब करने के लिए भी, कई दफ़ा बॉलर की लाइन बड़ी अच्छी होती है और वो उसको डिस्टर्ब करने के लिए इसके फुटवर्क यूज़ करते हैं, क्रीज यूज़ करते हैं आगे पीछे, ताकि उसकी लाइन ख़राब हो। और जेसन रॉय हमेशा ये करता है, जब उसको मुश्किल होती है, कभी भी अच्छे प्लेयर को, जब जो अच्छा प्लेयर होगा एक्सपीरियंस उसको मुश्किल होगी तो वो डिस्टर्ब करेगा बॉलर को। इवन हम कल भी आप बात कर रहे थे जब मोहम्मद अली बॉलिंग कर रहा था कि जब अगर बैट्समैन इसको थोड़ा सा आगे निकल कर खेलेंगे तो इसके लिए जो हर्डल्स हैं वो क्रिएट होंगी, तो अगर बैट्समैन उसको पीछे जाकर स्टिल होकर खेलेंगे तो वो बैट्समैन नहीं। आप देखो मोहम्मद अली को जैसे ही उन्होंने डिस्टर्ब किया उसने उसको मार पड़नी शुरू हो गई थी, क्योंकि जब एक बॉल स्विंग हो रहा होता है ना तो वो आप अगर उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो उसकी लाइन बनी होती है। तो ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है। जेसन रॉय बहुत अच्छा प्लेयर है, वो सिर्फ फुटवर्क इसलिए यूज़ करता है कि बैट बॉलर को डिस्टर्ब करें। अच्छा, जहां हमें सारी बातें कर रहे हैं, देखिए आज हम कॉम्बिनेशंस भी डिस्कस करेंगे क्योंकि इस्लामाबाद के लिए भी मस्ट विन है, उनको विन करना चाहिए, बिकॉज क्वेटा जो है ना बहुत प्रॉमिसिंग सिचुएशन में है। आप उनकी बैटिंग देखें, आप उनकी बॉलिंग देखें, और इस्लामाबाद एक आप सोचिए कैप्टनसी का उस दिन एक डिसीजन कि शादाब ने कहा कि आज मैं 1 डाउन नहीं खेलूंगा, तो पूरा उनका जो स्कोर कार्ड था, उनकी पूरी जो सिचुएशन थी वो बदल गई थी। तो अब ये भी एक बात है कि क्या वो उस दिन की शिकस्त के बाद अपनी बैटिंग ऑर्डर को ऊपर लेके आएंगे या वो डटे रहेंगे? ये दिस इज स्टिल अ क्वेश्चन। आसान कंडीशन आएगी तो हो जाएगा। इसमें एक और भी अगर ये टास्क जीत जाते हैं तो ऊपर आएंगे, अगर बाद में मॉइस्चर में खेलना पड़ा तो फिर नीचे चले जाएंगे। अच्छा, ऑन दिस नोट लेडीज एंड जेंटलमैन, you've been watching a special transmission of PSL season 9. Yes, we call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been brought to you by Cadbury Dairy Milk, presenting Lifebuoy Herbal Shampoo, powered by HBL, brought to you by new by Kaizen Paints and refreshed by Coke. Having said that, gentlemen, अभी हमने देखा किस तरीके से टॉस विन किया है रिली रोसू ने, और उन्होंने ये कहा है कि we are bowling first. How wise is this decision? If I ask both of you. देखें उसकी रीज़न है कि एक तो शाम को ड्यू फैक्टर होएगा, प्लस उनके 2 स्पिनर हैं अबरार और अकील, तो वो ऑब्वियसली इस टाइम थोड़ा सा मॉइस्चर कम होएगा, ड्यू फैक्टर कम होएगा। तो मेरे ख्याल ये सोचते हुए उन्होंने अपने स्पिनर्स को मेरे ख्याल देखते हुए उन्होंने किया, प्लस शाम को जब बैटिंग करने आएंगे तो ड्यू फैक्टर बहुत मैटर करेगा और उसमें सेकंड बॉलिंग वालों को मुश्किल होएगी क्योंकि लेग स्पिनर है उधर शदाब और दूसरा इमाद है। इमाद तो चलो फिंगर स्पिनर है, शायद कंट्रोल हो जाए, पर शदाब के लिए मुश्किल होगी ग्रिप करना बॉल गीले बॉल से। तो मैं यही देखते हुए उसने चूँकि उसने अपने उसमें बताया नहीं कि क्या क्यों मैंने बैटिंग की, पर रीज़न यही है कि ड्यू फैक्टर की वजह से मेरा ख्याल उसने बैटिंग बॉलिंग करने को। रऊफ, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर हम इनकी बॉलिंग यूनिट को देखें, मोहम्मद आमिर बड़े प्रॉमिसिंग रहे हैं। अगर हम देखें लास्ट मैच में तो 4 विकेटें दो विकेटें मोहम्मद हसनैन ने ली थी, अकील हुसैन ने भी 2 विकेटें ली थी। मोहम्मद आमिर बड़ी अच्छी इकॉनमी के साथ खेल रहे हैं। क्या लगता है आपको आज जो इनका बॉलिंग यूनिट है इसमें प्लेयर्स टू वॉच कौन हो सकते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो उनका एक्सपीरियंस प्लेयर है वो मोहम्मद आमिर है बॉलिंग में, और ना सिर्फ इनकी टीम में बल्कि ऑल ओवर अगर पूरा पीएसएल में भी देखें तो मैं एज ए बॉलर मेरे ख्याल में जो सबसे बेस्ट बॉलर है जो पूरे रिदम के साथ और एक्यूरेसी के साथ और जिसका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है वो मोहम्मद आमिर बॉलिंग कर रहा है। उसके बाद फिर इनके जो 2 स्पिनर्स हैं उसमें अबरार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है अभी तक, उसके बाद अकील हसैन वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये जो तीन, मेरा ख्याल है कि 3 रुकनी बॉलिंग अटैक है, ये हर्डल बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सीजनल और बहुत अच्छी फॉर्म में है ये तीनों। ये जो वसीम जूनियर भी बॉलिंग की इस कंडीशन में शायद उसको एडवांटेज इस कंडीशन में अर्ली ऑन उसको बिल्कुल एडवांटेज होगा कि जब ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा, रिवर्सिंग होगी, तो उसमें वसीम जूनियर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। नो डाउट कि उन्होंने पिछले मैचेस में काफ़ी रन उन्होंने कंसीड किए हैं हसनैन ने और वसीम ने, मगर आज थोड़ा सा ड्राई कंडीशंस होंगी अगर ये फर्स्ट बॉलिंग करते हैं तो उसमें थोड़ी सी इनको हेल्प मिल सकती है। हाँ, बट मोहम्मद हसनैन, जैसे आपने जिक्र किया, रन उन्होंने 50 कंसीड किए थे लेकिन विकेटें 2 ली थी। देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें हसनैन का इतना कसूर नहीं है क्योंकि पूरा साल वो इंजर्ड रहते हैं और उसके बाद आखिर में पीएसएल आकर खेलते हैं, फिर पूरा साल इंजर्ड हो जाते हैं। ये पिछले 4 साल से मैं देख रहा हूँ ये इसी तरीके से खेल रहे हैं, ना ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, ना पाकिस्तान टीम में चले जाते हैं, उनको वहाँ पर बंच पर उठा कर रखते हैं, फिर वापस भेज दिया जाता है। तो इसमें जो उनका कोचिंग स्टाफ है उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया हुआ क्योंकि जो 2 लास्ट मैचेस देखे हैं उनमें इनका बिल्कुल आपस में कोऑर्डिनेशन बन नहीं रहा है। एक फास्ट बॉलर होता है, उसका रिदम होता है, उसके बाद जब वो गैदर करता है तो जो मसल्स का कोऑर्डिनेशन होता है वो बड़ा एक्यूरेट होना चाहिए, वो बिल्कुल ही इनका कोलैप्स हो चुका है और शैटर हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि उसको वापस लाने के लिए अभी इनको थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, बाद में आना चाहिए। वैसे भी रऊफ, ये हसनैन जो है ना, जो आप कह रहे हैं ना 2 विकेटें नहीं है, ये मैटर नहीं करती है। अगर आपने 50 रन दे के और 2 आउट करें तो उसका आखिरी ओवर्स में वैसे ही हर बंदा हिट मार रहा होता है, उसमें विकेटें मिल जाती हैं। असल चीज़ है कि आपने कितने कम स्कोर पे 2 आउट किए हैं, वो मैटर करता है। तो ये इसका, जैसे हम पिछले मैच में भी कह रहे थे, बॉलिंग करते उसको समझ नहीं आ रही, उसके हाथ पाँव बिल्कुल साथ नहीं दे रहे थे, तो वो स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि अनफिट इंजरी के बाद। इसलिए भाई एक और भी बात है, मैं काफ़ी अरसे से 2-3 साल से बात कर रहा हूँ कि जितना भी पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है, अब तो खैर पूरी हमने शुरू किया था, पूरी दुनिया यही बात कर रही है कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक बहुत बुरी तरह सफ़र कर रहा है इंजरीज़ की वजह से। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह बार बार सलीम भाई कह रहे हैं नए चेयरमैन के, तो उनको देखना चाहिए कि जो हमारा कोचिंग स्टाफ यहाँ पर अकेडमी में लगाया हुआ है और जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर उन्होंने रखा हुआ है, इतना बड़ा उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहा है कि आपके 6 के 6 बॉलर हैं वो इंजर्ड हैं और उसके बाद जब इंजरी के बाद वापस आते हैं तो उनका आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं बनता, वो काम है ही नहीं। रऊफ, कौन काम कर रहा है मुझे बताओ? पाकिस्तान की फील्डिंग आज तक इम्प्रूव हुई है, उनके 16 कैचेस ड्रॉप हुए हैं, 16 कैचेस अभी 5-6 मैचों में ड्रॉप हो चुके हैं। आप मुझे बताओ, मजीद जैसा बंदा, मेरा ख्याल कभी किसी ने उसका नाम नहीं सुना होगा, वो पाकिस्तान का फील्डिंग कोच है जो एकेडमी में चाय देता था या लोगों की खिदमत करता था, टीसी करता था। वो उसको पाकिस्तान का उन्होंने कोच, फील्डिंग कोच बना दिया हुआ है। आप सोचें, ये ऐसे बंदे अगर आप पाकिस्तान टीम को फील्डिंग कोच होएंगे तो आप कहाँ से आप पाकिस्तान की टीम इंप्रूव करेगी? वो पिछले कितनी सीरीज से वो है, वो ये तो पिछले 10-2-3 और ये चीज़ें जो है ना, ये देखने वाली हैं हमारे चेयरमैन को जो आए हैं कि ये ऐसे लोगों को अकेडमी में या हाई परफॉर्मेंस में नहीं होना चाहिए क्योंकि इनके रहने से पाकिस्तान टीम को कभी भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो जब किसी चीज़ का फ़ायदा ही नहीं, इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रही, तो आप उनको, आपने इतने सालों से तन्हाई ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम के साथ इनको नहीं होना चाहिए। अच्छा, जहां हम ये बात करें, हम ऑफ कोर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड आज आएगा, अनप्रेडिक्टेबल है, शायद बहुत अच्छा खेल ले। हम अगर इनकी स्कोर कार्ड पे डालते हैं नजर, तो अगर हम ओपनर्स की बात करें, सऊद शकील को हम देख रहे हैं लास्ट मैच में जनाब 40 रन ऑन बोर्ड किए 23 बॉल्स पे, और उससे पहले सर 74 यानी उनका क्रूशल लॉक हमने देखा 47 बॉल्स के ऊपर। आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, इस PSL में और जनरली ही इज़ डूइंग वेरी गुड इन PSL, लेकिन अगर हम बात करें टेस्ट क्रिकेट की, हमने ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में देखा, हम ODI में भी देख लें, ये समझ नहीं आ रहा कि टेस्ट क्रिकेट खेलते खेलते ही इज़ वेरी गुड इन T20, बट वट हैपन टू हिज टेस्ट क्रिकेट सेंस ऑल्सो। हम उन्हें कहाँ देखते हैं? ODI में देखते हैं, T20 में देखते हैं, या हम उनको टेस्ट में देखते हैं? देखिए, आप बोल देखिए, बहुत ही ये वैलिड क्वेश्चन है आपका, क्योंकि इसमें ये है कि जो पाकिस्तान की जो सिलेक्शन पैनल है उनको ये चीज़ देखनी पड़ेगी और उनको ये बैठ के फैसला करना पड़ेगा कि कौन सा जो प्लेयर है वो किस फार्मेट का और किस फार्मेट में उसको खिलाना चाहिए। अब ये सिर्फ पहला साउथ शकील नहीं है, इससे पहले भी आप देखेंगे शान मसूद थे, वो प्योरली टेस्ट क्रिकेटर थे, और उनको फिर ये PSL, क्योंकि लीग्स में मुख्तलिफ किस्म के बॉलर्स आते हैं, बॉलिंग का जो स्टैंडर्ड होता है वो उतना हाई क्वालिटी का नहीं होता, तो ये हमारे बैट्समैन ये स्कोर कर लेते हैं वहाँ पर। फिर जब ये इंटरनेशनल मैचेस में जाते हैं जहाँ पे आउट क्लास आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग आती है, तो वहाँ पर सफ़र करते हैं, फिर ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, फिर तीनों फार्मेट से बाहर हो जाते हैं। इमामुल्लाह के साथ यही हुआ, शान मसूद के साथ यही हुआ। साउद शकील की आपने बात की है, नहीं, साउद शकील तो ओपन करता ही नहीं, ये ओपन करता नहीं और यहाँ पर ओपन कर रहा है, तो अगर कल इनको वर्ल्ड कप में किसी तरीके से सेलेक्ट करते हैं तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही मुश्किल होगा इनके लिए वहाँ पर कंसीडर करना। और लीग का देखो, लीग का मकसद ही ये है कि आप अपने उन प्लेयर को प्रमोट करें जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जाके जिस नंबर पे खेलना है, तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए। साउद शकील देखिए बहुत अच्छा खेला है, उसने 2 मैचों में बहुत अच्छा स्कोर किया। क्या You've been watching a special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been brought to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, powered by HBL, brought to you by new by Kaizen Paint and refreshed by Coke. जनाब थोड़ी ही देर में ये डिसाइड हो जाएगा कि किस तरीके से बैटिंग लाइनअप काम कर रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड का। As I mentioned earlier, कि ये बड़ी अनसर्टेन टीम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, डिपेंड कर रहा है काफ़ी हद तक के शादाब के ऊपर, उनके बैटिंग कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करें, आजम खान को लेके भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन उन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात हम कर रहे थे वो कर रहे थे मोहम्मद आमिर के एतबार से कि एक शोर समझ गया था वर्ल्ड कप में, ODI की बात करें या एशिया कप की बात करें, कि मोहम्मद आमिर कहाँ है, हमारी बॉलिंग यूनिट में वो दम खम नहीं है, एंड वी वॉन्ट मोहम्मद आमिर टू बी बैक ऑन द गेम। आपसे मैं पूछ रही थी रऊफ जी कि क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि अभी भी आपके सामने है बॉलिंग यूनिट, हमने न्यूजीलैंड की सीरीज में देखा है कि वो क्या ही काम कर रहा था। आमिर जमाल जो कि टेस्ट मैच में काम कर गए, वी वर एक्सपेक्टिंग कि T20 में वो आएंगे, वो विकेट लेना शुरू करेंगे, वो दिन है आज का दिन है, ही इज़ नॉट रियली शोइंग अप। कैन वी एक्सपेक्ट और इज इट पॉसिबल कि मोहम्मद आमिर जो है रिटायरमेंट वापस लें? देखिए, इसमें बेसिक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि ये वजह क्यों होती है, शोर क्यों पड़ता है। बेसिक चीज़ ये है कि एक आदमी ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, उसके बाद आपका जो सिस्टम है फंक्शनल है, आपके सारे रीजन्स काम कर रहे हैं, आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है, आपके पूरे पाकिस्तान में बॉलिंग का बेताशा टैलेंट है, तो फिर आप पास्ट पे क्यों जाते हैं? इसका मतलब है कि जो आपका सिस्टम है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। फिर उसके बाद या तो एक चीज़ हो कि आपके पास फास्ट बॉलर्स ना आ रहे हों, आपके पाकिस्तान तो हमेशा से 1960 से जब से फजल महमूद साहब हैं और एंड तक वसीम अकरम तक पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो तो फास्ट बॉलिंग के लिए बहुत ज़्यादा जरखेज़ रही है, तो इसमें हमें फिर बार बार पीछे क्यों देखना पड़ता है? उसकी बेसिक वजह ये है कि हमारे जो कोचिंग स्टाफ है वो उन पर काम नहीं कर रहा, क्योंकि जब भी कोई रॉ टैलेंट आपके पास आता है तो आपको उनमें छोटा सा काम करना होता है और उसके बाद फिर आपको उनसे आपको काम लेना होता है मुख्तलिफ टेस्ट मैचेस में, वनडे में या T20 में। मगर हमारे क्या होता है कि हमारे जो बॉलर्स आते हैं उनमें जो डेफिशिएंसीज होती हैं उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। हमारे जो कोचिंग स्टाफ है वो लिटरेट किस्म के होते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती बॉलिंग की, तो वो टाइम पास करते हैं। ये एक निशान है, इस लड़का पेशावर से खेल रहा है, 2 साल पहले मैंने इसको देखा अच्छे भले एक्शन से बॉलिंग कर रहा था, 2 साल पाकिस्तान की नेशनल एकेडमी में इस पर काम हुआ है और इसका टोटल सारे का सारा जो बायोमैकेनिक्स था एक्शन का वो चेंज हो गया। मैं चाहूँगी कि हमारी टीम अगर विजुअल्स दिखा दे, क्योंकि वी हैव गॉटन सम विजुअल्स ऑफ मोहम्मद शान्स बॉलिंग टेक्निक। जी, तो अगर देखें कि इस तरह के आप इनकम्पिटेंट लोग या इनएक्सपीरियंस लोग पाकिस्तान की नेशनल एकेडमी में या बॉलिंग कोचिंग स्टाफ में रखेंगे तो फिर आप सफ़र करेंगे, फिर आपको वापस पुरानों की तरफ देखना पड़ेगा। आप नसीम शाह देखें कि उसका मैंने लास्ट ईयर भी इसी प्रोग्राम में मैंने बताया था कि जब वो वापस आएगा इंजरी के बाद तो उसको शिन का जो प्रॉब्लम है वो होगा, क्योंकि जो उसका टो है पॉइंट करता है उस मिड ऑन की जानिब, तो ये अभी भी उसी तरीके से बॉलिंग कर रहा। फिर शाहीन अफरीदी उस इंजरी के बाद वापस आया, जो नी लिगामेंट की इंजरी हुई है, उसके बाद अभी रॉन्ग एक्शन से वो अभी भी कंटिन्यू बॉलिंग कर रहा है। तो ये जो छोटे छोटे जब तक इनके माइनर इश्यूज़ हैं वो सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर आप जो नए बॉलर्स हैं प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे, ना तैयार कर सकेंगे उनको। तो आपको फिर दोबारा वापस मोहम्मद आमिर की जानिब या जो पास्ट वाले बॉलर्स हैं उनकी जानिब देखना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि बजाय उन पर देखने के हमें जो हमारा नया स्टाफ है उस पर काम करने की जरूरत है। अच्छा जी, ऑन दिस नोट आई हैव टू रैप अप द फर्स्ट लेग ऑफ दिस शो, क्योंकि हमें बढ़ना है आगे, मैच शुरू होने वाला है। थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी जनाब। पोस्ट मैच 11 to 12 हम होंगे आपके साथ, आपके सवाल शामिल किए जाएंगे, आपकी कॉल शामिल किए जाएंगे, बिकॉज आपके बगैर हम कुछ नहीं है। इट्स अ टीम वर्क, एक टीम यहाँ है और एक टीम ये है। इट हैज टू बी अ टू वे कम्युनिकेशन। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। रऊफ जी, अभी बहुत सारे सवाल हैं, बाबर आजम पे बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके हैं। क्यों खड़े हो चुके हैं वो, क्या बातचीत है, उसके लिए यू हैव टू ट्यून इन टू 24 न्यूज़ फॉर द स्पेशल ट्रांसमिशन कॉल्ड कैडबरी पीएसएल हंगामा। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। जाते जाते एक बार कहेंगे फिर एक साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद।